जैसे जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप गहरे होते जा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की दुर्गति को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईडी, सीबीआई जैसी कंपनियां मैदान में उतार दी हैं। उन्होंने कहा कि ये एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके जन्मदिन के मौके पर केंद्र सरकार की इन एजेंसियों ने उनके कई करीबियों के यहाँ छापेमारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर छापेमारी की ये घटनाएं और बढ़ेंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की दुर्गति हो चुकी है। सुनिए भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान क्या आरोप लगाए। जब हम लोग हमारे कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा था, जो लोग व्यवस्था में लगे थे उनके सबके घर में काफी पड़े, चाहे रामगोपाल अग्रवाल हो, गिरीश देवाना हो और उपाधिक, और लगातार चलती रही जब तक हमारा सम्मेलन संपन्न हुआ। आज मेरे जन्मदिन के दिन जो मेरे क्षेत्र में जो ओएसडी काम देख रहे हैं उनके घर में छापा पड़ा, मेरे पारिवारिक मित्र हैं वह छापा पड़ा, मेरे सलाहकार हैं वह छापा पड़ा। तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की तरफ से ये इससे बड़े गिफ्ट क्या हो सकता है। सर, क्या आपको लगता है कि रंजिश के चलते जैसे राजनीतिक दबाव के कारण ये छापा पड़वाए जा रहे हैं केंद्र के द्वारा, चुनाव भी है सर नजदीक, जैसे ये तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और इसी कारण से ईडी, आईटी ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ठेका दे दिया गया है। और जो स्तर है वो निम्न से निम्न स्तर कहा जा सकता है वो उतर आए हैं, और भी तो और होगा, जो जानकारियां मिल रही है उसमें तो अभी ये टीम आई है, अब आईटी के 200-300 लोगों की टीम और आने वाली है, वो घर घर में छापा डालेंगे, गली गली में जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, और ये न समझें कि सत्ता में बैठे हैं तो जिंदगी भर सत्ता में रहेंगे। और क्योंकि जब रावण का घमंड नहीं टिका तो बचत लोगों का क्या हिसाब है, तो ये अति का अंत होता है। और छत्तीसगढ़ में ये शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ ये अति कर चुके हैं, जनता देख रही है और जनता मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ये सोचते हैं कि इन एजेंसियों के माध्यम से यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मुगालते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुत दृढ़ आस्था व्यक्त करती है, और ऐसे जो लोग हैं जो प्रजातंत्र को की भावनाओं को कुचलना चाहते हैं उसका जवाब अभी नवंबर में जो मतदान होगा, दिसंबर में जो काउंटिंग होगा, उसमें उनको मिल जाएगा।